इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला हक की फतह। फैसले तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी खुश। बाबर आवाज ने कहा कि अदलिया ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। इमरान खान ने भी माजरत की। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पूरी मुहिम झूठे प्रोपेगेंडे पर चलती है। शेख रशीद बोले अक्टूबर अहम महीना है, अहम फैसले होंगे। इमरान खान मुल्क का अहम फैसला रवा हफ्ते, शायद आज ही कर दें। बड़ी अदालत से मिली बड़ी फतह। पीटीआई रहनुमा और इसके इत्तेहादी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर खुशबाश। बाबर आवान ने बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सराहते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पूरी मुहिम झूठे प्रोपेगेंडा पर चलती है। जो उन्होंने मौकफ लिया है ये बिल्कुल जायज मौकफ है और अदलिया ने बड़ा दिल दिखाया है। इस वक्त डूब मरने का मुकाम है और रोने का इंपोर्टेड रिजीम में दोनों भाइयों नवाज और शहबाज का, जिनकी पेड कंटेंट वाले जो लोग हैं उनके जरिए से सारी उनकी मुहिम ही चलती है झूठे प्रोपेगेंडे के ऊपर। फैसले पर शेख रशीद ने कहा, इमरान खान मुल्क का अहम फैसला रवा हफ्ते या आज भी कर सकते हैं। मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाना है। मुल्क का फैसला, अहम फैसला इमरान खान जो है वो इसी हफ्ते करेंगे और शायद आज ही करें और मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाना है, इस मुल्क को आगे लेकर चलना है और आवाम की हुकूमत, आवाम की खलके खुदा की राय पर बनने वाली हुकूमत को ही पज़ीराई मिलेगी। शेख रशीद का कहना था कि रवां हफ्ते वीडियो लीक्स की सियासत खत्म हो जाएगी। डील के तहत इसहाक डार की वापसी हुई। डील में अभी नवाज शरीफ को क्लीन चिट नहीं मिली। शेख रशीद दिए भी बोले कि मरियम नवाज लंदन जाकर न्यू ईयर मनाए, इनके लंदन जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इनको फंसा दे, बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? ओटू इंसानियां कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।